కేంద్రంలో మోదీని గద్దెదించాలంటే ముందు తెలంగాణలో కేసీఆర్ ను ఓడించాలని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. విద్వేషాలను రగల్చే ప్రభుత్వం కావాలా, ప్రేమను పంచే ప్రభుత్వం కావాలా అని ప్రజలు తేల్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. నాంపల్లిలో జరిగిన కాంగ్రెస్ కార్నర్ మీటింగ్ లో ప్రసంగించిన రాహుల్ తనపై వివిధ రాష్ట్రాల్లో 24 కేసులు ఉన్నాయని తెలిపారు. భాజపాను ప్రశ్నించినందుకే ఈ కేసులు పెట్టారని విమర్శించారు. భారసా ఎంఐఎం కు ఓటేస్తే భాజపాకు ఓటేసినట్టే అని స్పష్టం చేశారు. मेरे दो लक्ष्य हैं. सबसे पहला लक्ष्य जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है. देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य है. अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा. उसके बिना ये काम नहीं किया जा सकता. और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा. तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है. और उसके बाद तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है. दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है. ये दो लक्ष्य हैं. 1,00,000 करोड़ रुपया तेलंगाना की जनता का चोरी हो जाता है. प्रोजेक्ट को बदल देते हैं, बढ़ा देते पैसा. मैंने अपनी आंखों से जाके प्रोजेक्ट देखा. खंभों पे बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं. पूरा का पूरा बराज धस गया है. इरिगेशन मिनिस्टर कौन? आपके चीफ मिनिस्टर. पैसा किसके जेब में गया? उनके जेब में गया. एक ही काम करते हैं, तेलंगाना की जनता से पैसा लूटते हैं. अब पूरी मदद बीआरएस की एमआईएम और बीजेपी कर रही है. तो ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं. कांग्रेस पार्टी को जिताइए, भारी बहुमत से यहां हमें जिताइए, सारे के सारे कैंडिडेट्स को जिताइए. दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूं. नमस्कार. जय हिंद. जय तेलंगाना.